धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सांसद जी ने जो ग्रुप डी एग्जाम रेलवे के बारे में कहा है वो फैक्चुअली इन्होंने इनकरेक्ट कहा है, सदन को मिसलीड कर रहे हैं। मैं फैक्चुअल पोजीशन आपको बना देता हूं। गुड मॉर्निंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। यहाँ पे जो एक बहुत रेलवे वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम लोग रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। और यहाँ पे जो है संसद में जो है हुआ है जोरदार आपका जो है बहस हुआ है। ग्रुप डी का नाम सुनते ही रेलवे मंत्री जी का क्या जवाब आया है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। आज आपका 8 जुलाई 2024 है और आज का ये लेटेस्ट अपडेट है, ये रेलवे मंत्री जी क्या बोले हैं, आपका क्या विचार है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि रेलवे का टेक्नीशियन का वैकेंसी या सभी एग्जाम का वैकेंसी अधिक संख्या में देखने को मिले, टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ जाए, तो जो है उसके ऊपर भी जो है हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए आपको ये जो है लगभग आपको 3 मिनट का ये वीडियो जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको 1 मिनट ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 3 मिनट का ये वीडियो है, ये जो आपका वहाँ पे बहस हुआ था इसी का आपका जो है ये है। देखिए यहाँ पे जो है रेलवे मंत्री जी भी आए हैं, बोले हैं, ये भी जो है हम लोग दिखाने वाले हैं। एक आपको बस इससे पहले एक जानकारी दे दे, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, पढ़ाई भी आपको साथ में करते रहना है। ये आपका जो है एक बहुत बढ़िया कंटेंट है जिसमें आप देखिए कि रेलवे ग्रुप डी जो 2022 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन साइंस का 2400 के करीब में आपका क्वेश्चन है, इसका कंप्लीट पीडीएफ बुक है ये आपका। बहुत ही मिनिमम में काफ़ी ऑफर चल रहा है, ऑल 99 शिफ्ट का आपका 2400 के करीब में क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका जो है, जनरल साइंस का स्पेशल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी में। इसको आप लोग अभी ऑफर चल रहा है, अभी आप लोग मिनिमम में मात्र जो है इसको 19 रुपया में जो है आप इसको ले सकते हैं, और अभी लिमिटेड ऑफर है, बाद में आपका प्राइस बढ़ जाएगा। मार्केट में यही आप जाइएगा तो आपको 99 रुपया, उसके बाद सीधा जो है आपको 200 रुपया 300 रुपया लिया जा रहा है। तो इसको आप लोग पीडीएफ बुक निकाल सकते हैं, अपना मोबाइल के गैलरी में भी इसको सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंटआउट निकाल के बढ़िया तरीका से इसका पढ़ाई कर सकते हैं। और साइंस का अभी बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया है तो इसको आप लोग ले लीजिए। लेना कैसे है, सिंपली आप इस नंबर पे 7488209501 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, एम जी क्लासेस ऐप का लिंक चल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाइए एम जी क्लासेस ऐप का जो है एम जी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद बुक वाले पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद बुक पे क्लिक करके आसानी से अभी ऑफर है 19 रुपये में आप इसको कंप्लीट ले सकते हैं, ठीक है, बाद में प्राइस आपका बढ़ जाएगा। आइए जरा सा अब हम लोग जो है साथ में मुद्दे पे भी हम लोग जो बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन के, सबसे पहले जो है आप इस 3 मिनट का जो वीडियो है उसको जो है आप लोग देखिए। माननीय राघव चड्ढा जी 6 मिनट। सर क्योंकि मैं सदन का सबसे युवा सदस्य हूं, मैं अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा अगर मैं आज इस देश के युवाओं का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है उसे ना उठाऊं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को जोड़ लें तो कुल मिलाकर 31 करोड़ आबादी भारत देश की स्टूडेंट्स कहलाती है, यानी कि पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। लेकिन उन युवाओं के लिए हमने किया क्या, मैं बताना चाहता हूं कि इस व्यवस्था ने, सरकार ने उन लोगों के लिए क्या किया। 2 IPL हैं सर इस देश में, एक IPL है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा IPL है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है जो है इंडियन पेपर लीग। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए उसे बर्बाद करने का काम किया गया, और उस सूची में मैं नाम पढ़ के आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्या क्या हमने अपने देश के युवाओं को दिया है। पहला व्यापम स्कैम, दूसरा UGC नेट पेपर लीक, तीसरा तेलंगाना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हिंदी पेपर लीक, असम HSC LC जनरल साइंस पेपर लीक, उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पेपर लीक, गुजरात हेड क्लर्क एग्जाम पेपर लीक, SSC CGL एग्जाम पेपर लीक, UPTET एग्जाम पेपर लीक, राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, UPPSC पेपर लीक, महाराष्ट्र HSC एग्जाम केमिस्ट्री पेपर लीक, UP पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाइंग एग्जाम पेपर लीक, रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स पेपर लीक, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी एग्जाम पेपर लीक, उड़ीसा टीचर राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक, और इस साल का नीट का 2024 का पेपर लीक। माननीय राघव चड्ढा जी ये ऑथेंटिकेट करके आप यहां, मैं दूंगा सर सारे रिपोर्ट दूंगा। सर आज हम अपने देश के युवाओं को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाए, नौकरियां नहीं दे पाए, बेरोजगारी चरम पर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी चरम पर है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो आंकड़ों की क्या बात करी जाए। सर मैं इन स्टूडेंट्स की पीड़ा इसलिए भी समझता हूं क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं। इस देश की सबसे वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव एग्जामिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का को क्लियर करके यहां पहुंचा हूं। सर मुझे पता है कि क्या पीड़ा होती है जब सालों की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन एक पेपर लीक हो जाता है तब सिर्फ दिल नहीं टूटता, विद्यार्थी एक इंसान पूरा टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है। शोर में 4 जून को नीट एग्जाम के नतीजे लाए गए, क्या मकसद था? माननीय सांसद, माननीय धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने जो ग्रुप डी एग्जाम रेलवे के बारे में कहा है वो फैक्चुअली इन्होंने इनकरेक्ट कहा है, सदन को मिसलीड कर रहे हैं। मैं फैक्चुअल पोजीशन आपको बना देता हूं।
ग्रुप डी एग्जाम सर, ग्रुप डी एग्जाम 191 सिटीज, 551 सेंटर, 99 शिफ्ट, 33 डेज, 15 लैंग्वेजेस में हुआ, 1,11,00,000 एप्लीकेंट्स ने एग्जाम दिया और बिना कोई कहीं पर एक भी सिंगल शिकायत के टोटल रेलवे ने 1,50,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है और ये कृपया अपना विड्रॉ करें अथवा एक्सपंज किया जाए। चेयर हैज ऑलरेडी डायरेक्टेड कि ऑथेंटिकेट करके देंगे प्लीज। आप जो है उस वीडियो को जो है देखे होंगे, देखिए यहाँ पे जो सबसे अधिक जो रूल है कि अब जो आप तो देख लिए, अभी आपके पास माहौल जो है संसद में भी जो है ये है, उस दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि राहुल गांधी भी जो है लोको पायलट से मिले थे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो एक कहना चाहते हैं कुछ हमारे भाई लोग का स्टूडेंट का कह सकते हैं मैसेज आया और बिल्कुल इनका जो है कहना हम सही है। आपको पहले बता दें ये सब हम मैसेज आपको दिखाने वाले हैं, ये जो है स्टूडेंट का, आप ही लोग में से स्टूडेंट का मैसेज है। एक जो है रेलवे टेक्नीशियन में वैकेंसी बढ़ाने के लिए 15 जुलाई 2024 को एक ट्विटर महाआंदोलन छात्रों के द्वारा रखा गया है। रहा बात हमारा सपोर्ट का, हमेशा रहता है, हैशटैग को देख लीजिए, हैशटैग रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ाओ, देख लीजिए रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ाओ, सही से स्पेलिंग को देख लीजिएगा। 15 जुलाई 2024 को जो है विशाल ट्विटर महाआंदोलन है, उसको करना है। और यहाँ पे कुछ का कमेंट भी आ, देख लीजिए, इस टाइप से स्टूडेंट के द्वारा भी बिग ट्विटर कैंपेन 15 जुलाई करके जो है सेंड किया जा रहा है। एक स्टूडेंट का यहाँ पे ये कहना है देख लीजिए और बिल्कुल सही है, सभी साथी रेलवे में मिलकर जो है आवाज़ उठाइए, यदि तुम ये सोच के बैठे हो कि टेक्नीशियन वाला नहीं हूँ एनटीपीसी ग्रुप डी वाला हूँ मुझे क्या करना है, ये समझ लो ऐसे सोचने वाले सरकार की नीयत नहीं ज़्यादा भर्ती देने को है, ये तुम जान लो। यदि एक भर्ती में वैकेंसी बढ़ेगा तो सब में जो है बढ़ेगा, बढ़ने का दबाव होगा, इसीलिए उठो, क्योंकि यही हाल रहा तो एनटीपीसी में भी 5,000 से ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी और नहीं ग्रुप डी में भी 10,000 से आएगी। एक बार सभी बच्चे मिलकर सभी एग्जाम, रेलवे में 3,00,000 से अधिक पद खाली है। ये पहला आपका एक स्टूडेंट का, दूसरा जो है ये भी एक स्टूडेंट का ही मैसेज था, इसको देखिए। मैं सभी भाई लोगों से आग्रह करता हूँ कि सभी लोग चाहते हैं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़े पर साथ देना कोई नहीं चाहते, बिल्कुल ये बात है, सब कोई टेक्नीशियन वाले चाहते हैं। 19,00,000 बच्चे हैं, अगर जिस दिन 19,00,000 बच्चे जाग गए तो ट्विटर हिल जाएगा, 1,00,00,000 आसानी से ट्वीट हो जाएगा हंसते खेलते, लेकिन सब कोई बस ये चाहते हैं कि देखिए साथ देना कोई नहीं चाहता है, बस चाहता है कि वैकेंसी बढ़ जाए। अगर कुछ दिन ट्विटर कैंपेन कर लिया जाए तो क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए, वरना एग्जाम डेट आने के बाद वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। लगभग पिछली बार 36,000 टेक्नीशियन में वैकेंसी था और ज़्यादातर ट्रेड की कट ऑफ पासिंग मार्क्स थी, समथिंग थी। अगर आप भी भाई सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में शेयर करें और जब ट्विटर कैंपेन करें तो सरकार का मतलब ये साथ देने के लिए कहा गया था 15 जुलाई 2024 को सुबह में 10 बजे आपका रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ाओ करके है। और बिल्कुल हम दोनों का सहमत मानते हैं क्योंकि टेक्नीशियन में आपका पिछला बार 36,000 वैकेंसी था, 50 नंबर पर जितना अभी आप मेहनत कर रहे हैं इसका आधा मेहनत में अगर टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ जाता है तो सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनका जो स्टूडेंट का जो कहना था बिल्कुल भी यही एकदम बिल्कुल था कि अगर आपका टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि आपका मंत्रालय के पास जोर रहेगा, सरकार के पास थोड़ा दबाव रहेगा, वो ऑटोमेटिक आपका एनटीपीसी का वैकेंसी को बढ़ा के देंगे। सामने में ग्रुप डी का वैकेंसी का जो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वैकेंसी निकल के आएगा, 50,000-1,00,000 ये तभी पॉसिबल है अगर टेक्नीशियन का वैकेंसी मिलकर बढ़ा दिया जाए, वरना बाद में सब जो है कम कम वैकेंसी करके आपको देंगे। इस पर आपका क्या विचार है आप लोग जो है ये कीजिएगा साथ में, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए और इसको इस जो कंप्लीट, क्योंकि आपका साइंस का बहुत ज्यादा रोल है, ये 2400+ साइंस ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ बुक है, ये सबके पास होना चाहिए। आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले लीजिए, फिर एमजी क्लासेस ऐप से इंस्टॉल करके इस बुक को जो है आप लोग ले लीजिए। बाकी आपका जो है ये 15 जुलाई 2024 को लेके क्या आप लोग तैयार हैं इसके बारे में बताइएगा, क्या आप लोग रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी बढ़ाओ, कम से कम 50,00,000 ट्वीट होगा या नहीं होगा इस पर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।